नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का एक नए वीडियो पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को डाउट है कि पेनियरबाई बंद हो रही है, उसका एपीएस बंद हो गया तो वो बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। पेनियरबाई ज़बरदस्त कंपनी है और इसका सारा कुछ ट्रांजैक्शन थी वो कल बंद थी, कुछ देर के लिए टेम्परेरी बंद थी, बाकी अभी सारी चीज़ लाइव हो चुकी है और इनका टाई अप दूसरे बैंक से हो चुका है, तो इनकी सारी सर्विसेज चालू हो चुकी है। और यदि आपका किसी कारण से मतलब वो दिखा रहा है डू केवाईसी, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना पड़ेगा और अपनी केवाईसी एक्टिवेट करवानी पड़ेगी। तो इसमें फ्रेंड्स दो केवाईसी होती है, एक डू केवाईसी और एक डू ई केवाईसी, तो दोनों आपको एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, तभी आपकी सारी एपीएस सर्विस स्टार्ट होगी और मनी ट्रांसफ़र भी तभी कर पाओगी। दोस्तों, पेनियरबाई एक कंपनी बेस्ट कंपनी है और इससे अच्छी कंपनी आपको मार्केट के अंदर कोई भी नहीं मिलेगी, और इसके अंदर आपका पैसा सेफ एंड सिक्योर है, आपका पैसा कहीं पर भी नहीं जाने वाला। हो सकता है कुछ अपडेट आते रहें पेनियरबाई में, लेकिन और यदि फ्रेंड्स किसी रिटेलर का पोर्टल काम नहीं कर रहा तो चेक कर लीजिए उसमें कंप्लीट केवाईसी है या नहीं। दोनों केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, डू केवाईसी और डू ई केवाईसी, दोनों यदि कंप्लीट हो जाती है तो आपकी सारी ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यही था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए।